नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24x7 न्यूज में। मसूरी पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया उनका जोरदार स्वागत। वहीं इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने वन मंत्री को एक ज्ञापन सौंप मांग की कि मसूरी में बनने वाले भिलाडू स्टेडियम को वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणित किया जाए ताकि स्टेडियम का निर्माण जल्द हो सके। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भर्ती घोटाले व पेपर लीक मामले में किसी भी बड़े अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट मसूरी से नितेश उनियाल की। यह है, आप देखिए, जीरो टॉलरेंस का प्रश्न ये होता है कि जहां सरकार के द्वारा कोई अनियमितता की गई है, अगर इसमें कुछ लोगों के कॉकस ने मिलकर, अगर चाहे भर्ती घोटाले में पेपर लीक का मामला हो या पैसों का लेन देन हो, इसमें आपने देखा कि इसमें कुछ सरकार के उच्च स्तरीय लोग नहीं इसमें शामिल हैं, कहीं ना कहीं नीचे के स्तर पर लोगों ने और कर्मचारियों ने मिलकर के जिस तरह किया है, आप देख रहे हैं 29 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, आगे भी होंगी। सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हयात होटल है, वहाँ फॉरेस्ट की लैंड भी है, उसको लेकर ग्रामीण लोग और जो होटल स्वामी उनके बीच में काफ़ी लंबे समय से तकरार चल रही है। फॉरेस्ट लैंड और ग्रामीण लैंड में अंतर है। फॉरेस्ट लैंड पर किसी को भी अनधिकृत कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, और अभी हमने शुरुआत कई जगह कार्रवाई शुरुआत भी की है। अभी आपने देखा श्यामपुर में बरसों से लोग कब्जा करके थे, लेकिन जो नए कब्जे हो रहे थे उन सारे कब्जों को हटाने का काम किया। लेकिन सर, जो सड़क जा रही है वहाँ पर फॉरेस्ट की लैंड है, इसकी जांच करा ली जाएगी। जांच की बात बहुत लंबे समय से होती है, लेकिन सर नहीं, मेरे संज्ञान में आज पहली बार आया, अगर इसकी बातों की जाँच कराई जाएगी। जो माननीय वन मंत्री जी यहाँ पर आए, उनका यहाँ पे प्रोग्राम निश्चित है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि वो थोड़ा उनसे जो है मिलना चाहते हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि व्यस्तम समय में भी उन्होंने इस उनको नीचे से किंगरेक से जो है नैनबाग जाना था, लेकिन वो कार्यकर्ताओं को मिलने यहां पर आए। इसी मौके पर हमने जो है मसूरी मंडल ने उनको ज्ञापन दिया, जिसमें एक बिंदु तो ये था कि जो हमारी 219 स्टेटें थी जो है नोटिफाइड डी नोटिफाइड होनी थी, और उनमें से जो है 77 स्टेटें जो है कंप्लीट हो गई हैं, तो हमने उनसे मांग की है कि ये एक तो जो है इसका जो है टाइम बाउंड होना चाहिए, अधिकारियों को टाइम बाउंड इसको करना चाहिए कि कितने समय में आप इसको कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ जो 77 स्टेटें जो कंप्लीट हो गई हैं उनको जो है पब्लिश कर दिया जाए, ताकि लोगों के जो आवास की समस्या है उसका कहीं ना कहीं उसमें निदान होगा। दूसरी जो समस्या थी जो भिलाडू स्टेडियम की थी, जिसमें फॉरेस्ट की ओर से जो है रोक लगाई गई थी, वहाँ पर 15 पेड़ चिन्हित हो गए हैं, लेकिन कंजर्वेटर साहब के यहाँ वो फाइल पेंडिंग है, उस फाइल को भी जो है यदि वो उसके निस्तारण हो जाएगा तो निश्चित ही वहाँ पे जो भिलाडू स्टेडियम पर जो है काम शुरू हो जाएगा। सर, क्या आश्वासन दिया गया मंत्री जी? माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वो अभी व्यस्त है, उन्होंने कहा कि वो जाकर जो है अधिकारियों से बात करेंगे, और यही नहीं, अनेक लोगों ने अपनी समस्या यहाँ पर रखी है, लेकिन अभी वो व्यस्त है। उन्होंने कहा है कि एक दिन मैं उनसे समय लूँगा और यहाँ पर एक माननीय मंत्री जी को बुलाया जाएगा, सारे अधिकारियों को बुलाया जाएगा, और जिसकी भी जो समस्या होगी उसका वहीं पर निदान किया जाएगा।